ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड ही चूज करेंगे। देखो, जो जो लिखा है पहले क्वेश्चन में हम वैसा वैसा लिख देंगे, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन में, ना एक मैन है, ठीक है, जो कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और नदी का स्पीड है 4। एक दिया है तुम्हारा 12, नदी का दिया है कितना 4। मुझे एक बात बताओ कि बोट का स्पीड दिया है 12, वाटर का करंट का स्पीड दिया है 4, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? ना तुम बोलोगे 8, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? ना तुम बोलोगे 16। दो चीज़ है यहाँ पे, एक वुडन लॉग है और एक है आदमी है, ठीक है। ये थोड़ा उसका पैर है ऐसे वो, अच्छा ये आदमी थोड़ा चींटी जैसा दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं। तो ये जो है तुम्हारा नदी का बहाव का डायरेक्शन है, ठीक है। तो नदी के बहाव के डायरेक्शन में जो मैन है ये डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैन जब, मान लो मैं ये वाला एक पॉइंट दिया, ठीक है, पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, तो ये जो मैन है, मैन जब यहाँ से वो मूव करते हुए चलेगा तो 16 की स्पीड से आ जाएगा, और यही मैन जाके, और ये टोटल का डिस्टेंस कितना है ना 100 किलोमीटर गिवन है, और क्या दिया है यहाँ पे, एक उड उड दिया है, उड भी कुछ एक्चुअली मूव कर रहा है। उड का एक्चुअली कैसे मूव कर रहा है ना, पानी के साथ, एट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, तो रिवर का फ्लो कितना है ना 4, तो ऊड एक्चुअली कितने स्पीड से मूव कर रहा है ना, 4 की स्पीड से मूव कर रहा है। क्वेश्चन बोला है कि मैन तैरते हुए जा रहा है, पॉइंट बी तक पहुंचा, 100 किलोमीटर हो गया, कितना टाइम लगा नहीं पता, कुछ टाइम लेके वो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऊड भी रुका है, तो मैन ऐसे तैरते हुए जा रहा है, मैन ऐसे तैरते हुए अपना जा रहा है, ठीक है, और ऊड भी ऐसे अपना तैरते हुए आ रहे हैं। तो मान लो मैन जब तक जाके पॉइंट बी तक पहुंचा है, ऊड आके पॉइंट सी तक पहुंच गया है, ओके। अभी अभी क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं ना, थोड़ा सा रुको। देखो मुझे पता है क्वेश्चन में दिया है कि फिर से वो रिटर्न करके वापस आ रहा है और स्टार्टिंग से उसका डिस्टेंस है एक्स किलोमीटर है, ये सब देखते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके समझो अभी। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जब उड कुछ टाइम लगा के आके पहुंचा सी तक, तो ए से सी तक उड 4 स्पीड के साथ जितना समय लगा के पहुंचा होगा, तब तक याद रखना, तब तक मान लो उड एक है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। मान लो उड जो है ना, ये बोला भाई साहब मैं 10 बजे निकलूँगा और 11 बजे तक पॉइंट सी में पहुँच जाऊँगा, और मैन बोला कि भाई मैं 10 बजे निकलूँगा, ठीक है, और 11 बजे तक मैं इधर पहुँच गया रहूँगा क्योंकि मेरा स्पीड ज़्यादा है, तो मैं इतनी दूरी कवर कर लूँगा, मैंने ये बोला। तो इसका मतलब दोबारा समझो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैन अपना हाई स्पीड के साथ चलते हुए चल जा रहे, ऐसे चलते हुए जा रहे, ठीक है। ऊट बोला भाई तू चलते हुए जा रहा है, तू 11 बजे तक जितना दूरी चल के पहुंच जाएगा, वहाँ से हम पता है वहाँ से फिर वो रिटर्न करके आ रहा है, फिर बी से ऐसे रिटर्न करते हुए आ रहा है, मुझे पता है, बट अभी हम रिटर्न का बात नहीं कर रहे हैं, अभी वो सिर्फ जा रहा है। तो मैन 10 बजे से लेके मान लो 11 बजे तक जितना दूरी तय कर ले रहेगा, ऊट बोला भाई मैं क्या यहाँ पे फोकट में बैठे रहूँगा, मैं भी तो एक्चुअली 10 से 11 तक
10 बजे से लेके 11 बजे तक मैं भी तो कुछ अपना स्पीड 4 स्पीड के साथ एक्चुअली मूव करूँगा। तो वुड क्या किया अभी, ना ए सी डिस्टेंस गया वो, ए से सी डिस्टेंस वो गया, कौन उड़ गया अभी। उड़ बोला मैं ऐसे सी डिस्टेंस जाऊंगा 4 स्पीड के साथ, और मुझे जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम मैन 100 किलोमीटर, ऐसे बी का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, जाएगा 16 स्पीड के साथ, उतने ही टाइम लगेगा। मतलब जितने समय में मैन 100 किलोमीटर तय करता है, उतने ही समय में ए से सी तक का डिस्टेंस ऊड हमारा तय कर लिए रहता है। देखो ऐसे सब क्वेश्चंस में याद रखना, कोई फोकट में बैठता नहीं है घर में। अगर सामने वाला बंदा चलते हुए जा रहा है तो भाई हम लोग भी चलते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा स्पीड कम है बोल के हम भले पीछे रह जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे। ओके, अब यहाँ से हमको ए सी का एक्चुअली डिस्टेंस मिल जाएगा ना, ये था ए, ये था तुम्हारा बी, और यहाँ पे कुछ था सी जो कि वुड हमारा कवर किया है ए से सी का डिस्टेंस। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 है, तो ए सी का डिस्टेंस कितना आ गया अभी, ना तुम बोलोगे 25 किलोमीटर, ए सी का डिस्टेंस आ गया अभी 25 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे, अब ये जो स्टॉपिंग पॉइंट है, अब यहाँ से वुड मूव करेगा, और पॉइंट बी जो है यहाँ से अब वो मेन मूव करेगा। अब दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करेंगे, टोटल डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, इतना हो गया 25, तो बाकी इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ना 75 किलोमीटर। अच्छा अब एक चीज़ सोचो, जब मेन वापस आएगा तो वो तो अपस्ट्रीम के स्पीड में आएगा, अपस्ट्रीम का स्पीड हम कितना निकाले थे, ना 8 निकाले थे। ठीक है, तो 75 डिस्टेंस को वुड 4 स्पीड के साथ और मैन 8 स्पीड के साथ कवर करेगा, तो उनको कितना समय लगेगा, ना तुम बोलोगे 75/12 घंटे लगेंगे। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये था तुम्हारा ए, ये था तुम्हारा बी, ये पॉइंट था सी, और यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा डिस्टेंस था 25 किलोमीटर। ओके, अब ऊड यहाँ से अभी मैं कितना बोला, रिलेटिव स्पीड कितना निकाला अभी, ना 75/12। ठीक है, अच्छा अब ऊड अगर अपना 4 स्पीड के साथ 75/12 आवर तक चलता है, तो वो कितना दूरी एक्चुअली तय कर लेगा, ना तुम बोलोगे और 25 किलोमीटर वो तय कर लेगा। मतलब जो कि पॉइंट डी है ये पॉइंट, और 25 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि स्टार्टिंग से लेके उनका पॉइंट मीट करने तक ये दूरी एक से, तो एक से अभी कितना दूरी हो गया ये टोटल, ना पहले ये 25 ऑलरेडी चल चुका था अपने स्पीड के साथ, और मीट करते टाइम मैन ऐसे स्पीड से आ रहा था और ऊड यहाँ से ऐसे जा रहा था। ओके, तो दोनों एक्चुअली ये पॉइंट डी पे मीट किए, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पॉइंट डी तक टोटल डिस्टेंस कितना है, ना 50, तो आंसर हमारा निकल के आ गया 50 किलोमीटर।